प्रदेश की राजनीति में क्या सपा और क्या बसपा, सभी अपनी अपनी जुगत में लगे हैं 2024 जीतने के लिए। लेकिन आज सवाल ये उठ गया कि क्या सपा और बसपा एक बार फिर से राजनीति में करीब आ रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया, जिसके जरिए मायावती ने न सिर्फ भाजपा की योगी सरकार पर हमला बोला बल्कि समाजवादी पार्टी को लेकर काफी नर्म और नजदीक दिखाई। इसीलिए उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि क्या एक बार फिर से बुआ और बबुआ साथ आने जा रहे हैं। अखिलेश को मिला मायावती का साथ, चुनाव से पहले फिर बनेगी बात, भतीजे पर नरम बुआ। साथ साथ आएंगे बुआ बबुआ। मायावती ने दिए सुलह के संकेत, क्या है बुआ का सियासी संदेश? साथ आ जाओ अखिलेश, उत्तर मांगे प्रदेश। तो सवाल ये उठ रहे हैं क्योंकि सियासत में एक छोटे से कदम का भी बहुत बड़ा मतलब होता है, और ये ट्वीट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस दौर में बुआ और बबुआ एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे पर जमकर हमले किए गए, एक दूसरे को इन दोनों लोगों ने भाजपा की ए और बी टीम बता दिया, ऐसे में इस ट्वीट का आना कई सवाल खड़े करता है। और सवाल सीधा सा यही है कि 2024 की जो जंग चल रही है, क्या उसमें एक बार फिर से बुआ और बबुआ साथ आ जाएंगे? हमारे साथ राज्य मंत्री संजय गंगवार जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर। ये बताएं कि राजनीति को आप बेहतर समझते हैं, माहिर खिलाड़ी हैं आप राजनीति के, और हर चीज का मायने होता है। ये जो अभी लड़ाई चल रही थी बसपा और सपा की 2017 के बाद से, क्या ये बर्फ पिघलती नजर आ रही है? क्या एक बार फिर से 2024 में आपके खिलाफ एक साथ होंगे ये लोग? अवधेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी 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 सर, सुन पा रहे हैं। हेलो, हाँ, मेरा नाम संजय सिंह गंगवार है। संजय गंगवार नहीं, पूरा संजय सिंह गंगवार। जी जी, संजय सिंह गंगवार जी, जो बुआ भतीजे का प्रेम, ये पहले भी उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने देखा जी, और उस जनता ने करारा जवाब भी दिया है बुआ बबुआ के प्रेम को जी। और फिर इनका पुराना ये नूरा कुश्ती है आपस में, कभी दिखाने के लिए बुआ बबुआ अलग हो जाते हैं और कभी दिखाने के लिए फिर से, जब जब इनके मतलब होते हैं तो ये मतलब के लिए, अपने हल के लिए, अपने मतलब के लिए जी, अपने स्वार्थ के लिए ये बुआ बबुआ कब एक हो जाएं इनका कुछ पता नहीं है जी। लेकिन उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और परम पूज्य उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर पूरा विश्वास रखती है, और उत्तर प्रदेश के विकास के एजेंडे को, उत्तर प्रदेश में जंगल राज के को खत्म करने का और उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने वाले परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के जी नेतृत्व को स्वीकार करती है। ठीक है संजय सिंह अग्रवाल जी, अब ये बुआ बबुआ की करीबी हो रही है नहीं हो रही है तो हमारे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया जुड़ गए, उनसे हम पूछेंगे। लेकिन जो ट्वीट आया है उसमें आपको निरंकुश भी कहा गया है, ज्यादती करने वाला भी कहा गया है, और ये भी कहा गया है कि आप लोग कुचल देते हैं किसी के विरोध के, ये बातें मायावती जी ने कही है। देखिए, कुचलना और ये सब जो शब्द हैं ये जिसने बोले हैं, ये लोकतंत्र की भाषा में, संसदीय भाषा में, लोकतंत्र में अच्छे नहीं है। मैं इन शब्दों की निंदा करता हूँ। दूसरा, जहाँ तक धरना प्रदर्शन की बात है जी, प्रजातंत्र में सबको धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन इन्होंने कोई भी परमिशन जिला प्रशासन से नहीं ली, फिर भी प्रजातंत्र में जिला प्रशासन ने एक इनको रूट दिया हुआ था कि उस रूट से ये शांतिपूर्वक ढंग से अपना प्रदर्शन करें, पैदल मार्च करें जी। लेकिन
ये समाजवादी हैं, इनका काम उपद्रव करना है, आम जनमानस को दिक्कत ना हो, आम जनमानस की जानमाल की सुरक्षा को देखते हुए इनका रूट इनको लिए एक दे दिया गया था। ये उस रूट पे ना निकल के, क्योंकि सच और समाजवादी इनका जैसे दो नदी के किनारे होते हैं, वैसे ही बिल्कुल इनका वो है। ठीक है डॉक्टर अनुराग भदौरिया, सच नहीं बोलते कभी जी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।